हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर चैप्टर नंबर 15, सम नेचुरल फिनोमेना। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो है थंडर स्टॉर्म्स वगैरह पढ़ लिया था, ठीक है। लाइटिंग मेन जो है लाइटिंग, आपने चार्जेस इसके बारे में आपको पता लग गया कि लाइटिंग कैसे होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे आज हमने लाइटिंग से कैसे सेफ रह सकते हैं, अगर अचानक से कहीं लाइटिंग होनी शुरू हो जाए तो ये भी हमने देख लिया था। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डू एंड डू नॉट ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म के टाइम में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं आउटसाइड, अगर हम बाहर हैं तो क्या करेंगे। ओपन व्हीकल लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीन, ओपन कार आर नॉट सेफ। अगर कहीं भी थंडर स्टॉर्म है तो ये सारी चीज़ें जो भी आपको बताई गई, ये सारी चीज़ें सेफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ओपन एरिया में है। ओपन फील्ड, टाल ट्री, शेल्टर इन पार्क, ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, ओपन है। शेल्टर्स अगर पार्क में हैं या फिर बड़े बड़े पेड़ हैं ये, या खुला मैदान है, तो ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हमें लाइटिंग के स्ट्रोक से। कैरिंग अम्ब्रेला इज़ नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। हम अम्ब्रेला भी लेके जाना हमारे लिए सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला की जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है, और मेटल जो है वो चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसलिए लाइटिंग के समय जो है अम्ब्रेला ले जाना भी सेफ नहीं होता है। इफ़ नो शेल्टर इज अवेलेबल एंड यू इन एन ओपन फील्ड, स्टे फॉर अवे फ्रॉम ऑल ट्री, स्टे अवे फ्रॉम द पोल। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह हैं ओपन फील्ड में, तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा किसी आप बड़े पेड़ के पास ना हो, किसी खंभे के पास जो पोल्स वगैरह बिजली के होते हैं उनके पास ना हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है लाइटिंग को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर लेती हैं। मेटल ऑब्जेक्ट से दूर हों। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे लेटना नहीं है। इंस्टीड स्क्वेट लॉ ऑन द ग्राउंड, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बैठा हुआ है, इस तरीके से आपने वो ग्राउंड में बैठ जाना है, सेम इसी पोजीशन में। प्लेस योर हैंड ऑन योर नी विद योर हेड बिटवीन द हैंड, अपने नी को और हेड को, घुटनों, अपने पूरी बॉडी को इस तरीके से जैसे यहाँ पे शेप दे रखी है ना, इस पोजीशन में ले आना है। विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक, तो मतलब आप एक ऐसा छोटा सा टारगेट यूज कर सकते हैं कि उससे बचने के लिए। ये आपकी सेफ पोजीशन थी, ठीक है। आप देख सकते हैं सेफ पोजीशन इस तरीके से, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली कि जब हम लाइटिंग के टाइम, थंडर के टाइम बिजली कड़क रही है, बिजली गिर रही है, या फिर आंधी तूफान आ रहे हैं, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर हम घर के अंदर हैं और थंडर स्टॉर्म है तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको लाइटिंग कैनिस्ट्रिक, टेलीफोन कार्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, मेटल पाइप्स। डू यू रिमेंबर लाइटिंग इज एन इलेक्ट्रिकल चार्जेस डिस्चार्जेस। क्या है लाइटिंग जो है, टेलीफोन के जो वायर्स होती है, इलेक्ट्रिक वायर्स होती है, मेटल की पाइप्स होती है, आपको पता है ना कि जो लाइटिंग होती है उसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं। हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस देखे थे, ठीक है। तो ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म कॉन्टेक्ट विद दीज शुड बी अवॉइड। इट इज़ सेफ टू यूज मोबाइल फोन्स एंड कॉर्डल्स फोन्स। हाउएवर इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप ए पर्सन हु इज रिसीविंग योर फोन थ्रू ए वायर्ड फोन। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मोबाइल फोन्स का आप यूज़ कर सकते हो पर बहुत ज़्यादा नहीं, अगले पर्सन के पास वायर वाला फ़ोन ना हो ये ध्यान दें, ठीक है। और बाथिंग शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टेक्ट द रनिंग वाटर। एक तो उस टाइम में नहाना नहीं चाहिए और ना ही चलते हुए पानी में रहना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर, टीवी एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। इलेक्ट्रिकल लाइट कैन रिमेन ऑन, दे डू नॉट यूज एनी हार्म। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं जैसे कि कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, इनको अनप्लग्ड कर देना चाहिए। क्यों? लाइटिंग से इनकी जो है, लाइटिंग जो है, ये जो अप्लायंसेस हैं ये लाइटिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल लाइट कैन रिमेन ऑन, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। जो इलेक्ट्रिकल लाइट्स होती है वो उसमें कोई वो नहीं, लेकिन इसमें क्या हो सकते हैं, कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट, लाइटिंग कंडक्टर।
लाइटिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द लाइटिंग. ए मेटेलिक रॉड टॉलर देन द बिल्डिंग इन इज इंस्टेड इन द वॉल ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन. वन एंड ऑफ द रॉड इज कैप्ड आउट इन द एयर एंड द अदर बरीड. बरीड मीन्स अंदर, गहराई में, ठीक है, डीप इन द ग्राउंड. द रोड प्रोवाइड ईजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड. अब इसको अगर आप डायग्राम के थ्रू समझेंगे ज़्यादा समझ में आएगा. आप यहाँ पे ये डायग्राम देखो, इसमें क्या दिया है कि आप देख रहे हो एक बिल्डिंग. ये बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के समय इससे हम लाइटिंग से बच सकते हैं. जब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके से फिगर जो है, यहाँ पर इस फिगर को, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि किस तरीके से है. यहाँ पर आप देखो ये एक रॉड है मेटल की, ये इस तरीके से कहाँ है, जमीन के नीचे. यहाँ देखो आप पूरा, ये जमीन के नीचे कॉपर की प्लेट है, ये डाली गई है. तो जिस तरीके से ये कब होता है, जब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस होती है ना, उस टाइम ये जो है कंस्ट्रक्शन की जाती है. इस तरीके से मेटेलिक जो रॉड है, ऊपर आप देख रहे हो ये एरिया क्या है, ओपन है, ठीक है. और नीचे आप देखो ये एरिया क्या है, नीचे एक कॉपर की प्लेट है, वो नीचे ज़मीन में है और ये सारी वायर्स इसके साथ जो है कनेक्ट है. तो इस तरीके से क्या होता है, बाय चांस अगर बिल्डिंग के ऊपर कोई लाइटिंग होती है तो उससे क्या होता है कि वो अपनी तरफ मेटल अट्रैक्ट कर लेता है और उसको ज़मीन के अंदर डाल देता है, अर्थ के अंदर डाल देता है, जिससे कि बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होता है. इसको बोलते हैं लाइटिंग कंडक्टर. ये उसी टाइम होगा जिस टाइम बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो बनती हैं, कंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है. द मेटल कॉलम्स यूज्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर एंड वाटर पाइप इज द बिल्डिंग्स आल्सो प्रोटेक्ट अस टू एन एक्सटेंट बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म. जो मेटल कॉलम होते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम, इलेक्ट्रिकल्स वायर्स वगैरह होते हैं, पाइप होती हैं, ठीक है, ये सारी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करती है, पर उस टाइम हमें उन चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए. ये तो हमारा लाइटिंग हो गया, हम कैसे सेफ रख सकते हैं, ठीक है. और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थक्वेक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. ओके स्टूडेंट्स.